नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हरिद्वार की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पन्ना किन किन राशि वाले जातकों को धारण करना चाहिए, किन किन राशि वाले जातकों के लिए पन्ना रतन राजयोग बनाता है। दोस्तों, जिंदगी में जो सफल हुए हैं लोग, विशेष रूप से तीन रत्न पहनते हुए देखे गए हैं, नीलम, पन्ना और डायमंड। इन तीनों में से कोई ना कोई रत्न उनके हाथ में आम तौर पर पाया जाता है। तो इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। मिथुन और कन्या राशि एवं लगन वाले जातकों के लिए तो पन्ना संजीवनी बूटी का काम करेगा, आपको बहुत लाभ करेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, आपका भाग्योदय करेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चारों तरफ से आपको फायदा होगा। दोस्तों, मिथुन और कन्या से अलग धनु राशि वाले जातक भी पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी, आपके दसवें स्थान के स्वामी बुध हैं। तुला राशि वाले जातक भी पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि आपके नौवें स्थान के, आपके भी भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं। और मकर वाले भी पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी बुध हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मकर पांच राशि वाले जातकों के लिए पन्ना वरदान है, पन्ना आपके लिए बेहद शुभ रहता है। बाकी राशि वाले जातकों के लिए एक्सपेरिमेंट का विषय है, आप सोच समझकर किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के विचार पूर्वक ही रत्न धारण करें। मित्रों, जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, उसकी अवस्था कमजोर होने पर ग्रह कमजोर माना जाता है। या तो आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही कम डिग्री में हो, अति बाल्यावस्था में हो, या 25 डिग्री से ऊपर हो, अति वृद्धावस्था में हो, या पापकर्तरी योग में हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पन्ना रत्न धारण करके लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, पन्ना बुध का प्रिय रत्न है, बुध वाणी के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, मैथमेटिक्स के कारक हैं। पन्ना रत्न आमतौर पर स्टूडेंट और बिजनेसमैन लोग पहनते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों, यह थी पन्ना रत्न के बारे में छोटी छोटी पर बड़ी काम की बातें। मैं कामना करता हूं कि आपको मेरे